Hello everyone, this is Vivek Mishra, your economics teacher, and we are reading our first chapter of Indian Economic Development. The chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. We have seen in our previous video that the colonial exploitation of Indian economy under the British rule. And here we will see that the features of Indian economy on the eve of independence. Matlab, ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडिया की इकोनॉमी के मेन मेन फीचर्स क्या थे, इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से दिखाई पड़ती थी. सो आवर फर्स्ट फीचर इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट मीन्स टू स्टे, मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है. तो एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ना के बराबर है, बिल्कुल कम है. एक डाटा के हिसाब से 1860 से 1925 तक इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ थी वो 0.5% पर एनम थी, जो 1925 से 1950 के बीच में घट करके 0.1% पर एनम हो गई. कहने का मतलब है लोगों की इनकम इंक्रीजमेंट लगभग ना के बराबर थी और मार्केट में चीज़ों के दाम धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट तमाम सामानों पर तरह तरह के टैक्सेस इनपुट करती जा रही थी, जिससे कि लोग अपने बेसिक गुड्स को भी परचेज करने में धीरे धीरे अनेबल होते जा रहे थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन पीपल से काम तो करवा रही थी, लेकिन उन्होंने लोगों की इनकम को बिल्कुल स्टे कर रखा था. ब्रिटिश का गवर्नमेंट का काम केवल वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड कर देना था, जिससे कि लोगों को दो वक्त के खाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था. हमारा दूसरा फीचर है बैकवर्ड इकोनॉमी. बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम हो. एक डाटा के हिसाब से इन 1947 टू 1948 द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज जस्ट ₹230, जो कि बहुत ही कम थी. और इसका एक मेन रीज़न था कि एक फैमिली में केवल एक इंसान का कमाना और पाँच लोगों का बैठकर खाना, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी द नंबर ऑफ जो अनएम्प्लॉयड पीपल थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और इंडियन इकोनॉमी में जो गरीबी थी वो एक भयानक रूप ले रही थी, जो आगे चल के भुखमरी और महामारी का रूप धारण करने वाली थी. हमारी इंडियन इकोनॉमी का अगला फीचर्स था एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस. इंडिया में टोटल इंडियन पॉपुलेशन का लगभग 72% हिस्सा खेती में लगा हुआ था, लेकिन जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन केवल 50% का था. कहने का मतलब है कि 22% एक बड़ा हिस्सा काम करते हुए भी अनएम्प्लॉयड के श्रेणी में आता था. और ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस फील्ड पर केवल दो आदमियों के काम करने की ज़रूरत थी वहाँ पे पूरा परिवार मिलकर के काम करता था और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी. ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर किसान इरिगेशन के लिए केवल रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे. अगर उस साल अच्छी बारिश हो गई तो खेती ठीक ठाक हो जाती थी, और अगर अचानक से बारिश ना हुई या ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी, जिससे कि किसानों को पूरे साल भर बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता था. हमारा अगला फीचर है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. हमने पिछले वीडियो में देखा है कि इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के लिए बहुत जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे मार्केट में उसकी डिमांड धीरे धीरे घट गई और लोगों ने ब्रिटिश गुड को यूज करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनका भी पतन होने लगा. एंड बी नो दैट देयर वॉज अ ह्यूज लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी व्हेन द ब्रिटिश पीरियड वॉज गोइंग ऑन. और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ना होने से ज़्यादातर मशीनें हमें विदेशों से इंपोर्ट करवानी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पे तो उनका प्रोडक्शन हो नहीं पाता था, जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी लगातार पिछड़ता जा रहा था. हमारा अगला फीचर है रैम्पेंट पावर्टी. इसका मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे गरीबों की संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाए. हमने अपने पिछले टॉपिक्स में देखा कि इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अनएम्प्लॉयड था, जिससे उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती थी
और धीरे धीरे उनके लिए दो वक्त का खाना भी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर भी नहीं था, और इसने आगे चलकर एक व्यापक बेरोजगारी का रूप ले लिया। कहने का मतलब, इंडिया की इकोनॉमी लगातार बिगड़ती ही जा रही थी, उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। हमारा अगला फीचर था पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, तो जैसे आपका स्कूल है, तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड, मार्कर, डस्टर, डेस्क बेंचेस और लाइट सिस्टम, कैमरास, चेयर्स, टेबल्स, ये सब आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अगर इनकी कंडीशन ठीक ठाक है, मतलब कि आपके स्कूल की कंडीशन बढ़िया है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडिया की इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड था, बेकार था। जो रूरल एरियाज़ में रह रहे लोग, किसान हुआ करते थे, उनको मार्केट तक आने के लिए जो कच्चे कच्चे रास्तों से होके आना पड़ता था, और रेनी सीजन में वो रास्ता बिल्कुल पानी से भर जाता था, जिसके कारण से उनको मार्केट तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। रेलवे की शुरुआत तो हो गई थी इंडिया में, लेकिन अभी भी उसका विस्तार बहुत कम क्षेत्रों में था, और पावर जनरेशन कैपेसिटी तो बिल्कुल लो थी। रूरल एरियाज़ में तो कभी कभी बिजली आया करती थी। हॉस्पिटल की भी व्यवस्था गांव में नहीं हुआ करती थी, जिससे कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको बैलगाड़ी से शहर तक ले जाने के लिए कच्चे कच्चे रास्तों से जाना पड़ता था, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि रास्ते में आदमी की मौत हो जाती थी। सो हेयर वी कैन से दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज वेरी पुअर इन ब्रिटिश पीरियड। आवर नेक्स्ट फीचर इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। वी नो दैट देर वॉज अ ह्यूज लैक ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। सो द प्रोडक्शन ऑफ मशीनरीज वार वेरी लो, एंड बी यूज टू बी इम्पोर्टेड मैनी थिंग्स सच एज मशीनरीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सेविंग मशीन्स, मेडिसिन, किरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल्स फ्रॉम अब्रॉड, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इंटरनेशनल मार्केट में लोग अपने हिसाब से चीज़ों के दामों को बड़े बड़े लेवल पे बढ़ा बढ़ा कर बेचा करते थे, और मजबूरन इंडिया को उनसे चीज़ों को ख़रीदना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ लिमिटेड अर्बनाइजेशन। इन इंडिया ओनली 14 or 15% पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज, वाइल 85 to 86% लिव्ड इन रूरल एरियाज। हम जानते हैं कि शहरों में रहने वाले लोगों को बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जबकि गांव में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उनके लिए स्किल्स और टेक्नोलॉजीज को भी जानना और समझना आसान हो जाता है, जबकि गांव में इन चीज़ों के लिए लगभग जगह नहीं हो पाती, क्योंकि लोगों में जागरूकता का अभाव हुआ करता था। लोग शहर तो आना चाहते थे, लेकिन उनके पास ज़रूरी सुख सुविधाओं का अभाव हुआ करता था। सो हेयर वी कैन से दैट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश पीरियड वर वेरी पुअर। गांव में रहने वाले लोगों के लिए लगभग जॉब की सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती थी, और उन्हें मजबूरन मजदूरी करनी पड़ती थी, या तो वो किसान बन जाते थे, अगर उनके पास ज़मीन है तब वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही चूज करते थे। इस तरीके से हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे। हमारा अगला टॉपिक होगा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।